नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका राष्ट्रधर में। तो जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। दरअसल यहां घाटी में आतंकी आम लोगों को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं। टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम देने के लिए आतंकवादी नए नए तरीके अपना रहे हैं और वारदात को अंजाम देने से पहले टारगेट की पूरी रेखी की जाती है और फिर मौका पाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में सेना के एंटी टेरर ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी एक के बाद एक गैर कश्मीरियों को निशाना बनाते जा रहे हैं। रविवार को भी गैर स्थानीय लोगों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया और दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने बिहार के रहने वाले दो मजदूरों की हत्या कर दी। इसके अलावा एक शख्स घायल भी हो गया। आतंकियों ने घर में घुसकर लोगों की हत्या की। मृतकों की पहचान बिहार के निवासी राजा और जोगिंदर के रूप में हुई है। इसके अलावा घायल हुए शख्स का नाम चुनचुन देव है। बीते दिन भी आतंकियों ने पुलवामा और श्रीनगर में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। श्रीनगर में बिहार के रहने वाले अरविंद कुमार को निशाना बनाया गया था। वहीं पुलवामा में यूपी के निवासी सगीर अहमद को भी मार डाला गया था। घाटी में लगातार हो रही आम नागरिकों की हत्याओं को लेकर देश भर में गुस्से का माहौल है। जम्मू कश्मीर सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक इन आतंकियों से निपटने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने के बाद से घाटी में सेना ने आतंकियों के एनकाउंटर्स करने की रफ्तार में भी इजाफा किया है। इसी बीच T20 वर्ल्ड कप में होने वाले भारत पाकिस्तान के मुकाबले को रद्द करने की मांग भी तेज हो गई है। पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर विचार करने की बात कही और अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी ऐसा ही कहा है। तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्य के लोगों की हत्या हो रही है, ये दुखद है। पाकिस्तान भारत में जो आतंक बढ़ाने का काम कर रहा है, ऐसे में भारत पाकिस्तान का मैच रुक जाना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम बोले कि पाकिस्तान को संदेश देने के लिए भारत को इस तरह का कदम उठाना चाहिए और इसके बाद से जो जम्मू कश्मीर में बाहरी लोग रह रहे हैं, मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं, उनमें डर और खौफ का माहौल है। आप तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बोन लोगों की तस्वीरें हैं जो कश्मीर में अब डरावने माहौल का सामना कर रहे हैं और वहां से बारिश के माहौल में पलायन कर रहे हैं। बारिश के माहौल में वहां से अपना सब घर बार छोड़कर वहां से अपने गृह प्रदेश की तरफ लौट रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये वो लोग हैं जो वहां पर मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजर बसर कर रहे थे और आतंकवादियों के टारगेट पर आने के बाद इनको वहां से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सुरक्षा बल भी लगातार इन आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए इनसे बराबर की जद्दोजहद कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं और इनको ढेर भी कर रहे हैं। जम्मू जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, राजस्थान बिहारी लोग आए जो उनको मार रहे हैं, जो इसलिए बस डर लगता है, घर जा रहे हैं, क्या करेंगे इधर। वापस वापस जा रहे हैं? हाँ, वापस जा रहे हैं। बिहारी लोगों को मारा, लग रहा है अच्छा हो रहा है? अच्छा कहाँ हो रहा है, आपको डर लगता है? डर लगता है इसीलिए। शांति देवी, शांति देवी की आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ के हो? हम राजस्थान के, राजस्थान वापस जा रहे हैं। यहाँ हालात खराब हो रही है, ऐसे जा रहे हैं, खराब हो रही है, ये बिहारी लोगों को मार रहे हैं, ऐसे हमारी थोड़ा डर हो गया, हमें बच्चे हमारे पास है, हमें डर लग रहा है, क्या पता लगता है, हालात बहुत खराब है। गवर्नमेंट से क्या चाहते हो, क्या व्यवस्था? हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं हमारे को गाड़ी मिलनी चाहिए जम्मू जाने के लिए, बस यही से है हमारी सभावना। हम आज निकलेंगे जरूरी, बरसात हो रही, ऊपर कमरा भी छोड़ा, फिर कहाँ जाएंगे हम, यहीं रहे रुकना पड़ेगा, तो यहाँ भीग जाएंगे, सामान भी है, बच्चे भी हैं, कहाँ जाएंगे। और मजदूरों के इस पलायन पर आखिरकार राजनीतिक जगत से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है वो आपको सुनाते हैं। में जो तेजी कश्मीर घाटी में आई है उससे आतंकवादी संगठनों में बहुत बड़ी बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, डेस्पिरेशन है, जिसके चलते एक बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान के अंदर हो रही है कि कश्मीर घाटी में सेलेक्टेड टारगेटेड किलिंग्स की जाएं और खासकर जो हमारे भाई बहन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों से आकर जम्मू कश्मीर में बिजनेस करते हैं या कश्मीर घाटी में कोई कारोबार करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको निशाना बनाकर एक डर और खौफ का माहौल
बनाने की पाकिस्तान की ओर से साजिश हो रही है। पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सेना ने इस पूरे कश्मीर घाटी के अंदर षड्यंत्रकारी आतंकवादियों को जमीन के पाताल से निकाल कर उनको मौत के घाट उतारा है। मोदी सरकार ने सेना को, पुलिस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को आतंकवाद विरोधी अभियानों में तेजी लाने के लिए खुली छूट दी है। उसी का परिणाम है कि कश्मीर घाटी से इन आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। एक साजिश की जा रही है जिसके चलते जो अन्य अन्य प्रांतों से कश्मीर घाटी में काम करने वाले हमारे भाई बहन हैं, उन्हें निशाना बनाने की साजिश पाकिस्तान की ओर से हो रही है। पाकिस्तान की हर साजिश का हम सब ने मिलकर, एकजुट होकर, डटकर मुकाबला करना है। हमने पाकिस्तान के हर षड्यंत्र को पहले भी विफल किया है, आगे भी विफल करेंगे। मैं कश्मीर घाटी में काम करने वाले हमारे भाई बहन जो बिहार से हैं, यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा, पंजाब से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ या झारखंड जैसे क्षेत्रों में आकर यहाँ काम करते हैं, मैं उन सबसे निवेदन करता हूँ, ये पाकिस्तान के हर साजिश को हमने मिलकर इसका मुंह तोड़ जवाब देना है। इस कश्मीर में जिस तरह से ये घटना हो रही है टेररिस्ट के द्वारा, इससे एक बात उठने लगी है कि भारत और पाकिस्तान के साथ जो T20 वर्ल्ड कप का मैच 24 तारीख अक्टूबर को होना है उसको रद्द करने की मांग उठने लगी है। गिरिराज सिंह ने भी बजाते कहा है कि नहीं, इस स्थिति में हम लोग उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते क्योंकि सारी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान है। नहीं, निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी इन सारी चीजों को गंभीरता से देख रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान इस प्रकार से भारत में आतंकवाद को प्रश्रय देने का दुस्साहस कर रहा है तो कुछ इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं रुकनी चाहिए, जिससे कि उस पाकिस्तान को एहसास हो कि जब तक आतंकवाद को वो साथ देते रहेंगे भारत किसी अन्य मुद्दे पर उसके साथ साथ नहीं खड़ा। दुखद घटना है और सरकार इसमें ढुलमुल लेती है। सरकार कभी सख्त होती है, कभी नरम हो जाती है। सरकार को सख्त होकर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और पाकिस्तान को ऐसा दंड देना चाहिए जो कि भविष्य में कभी वो हम लोग तरफ देखे नहीं। सारा कार्रवाई तो पाकिस्तान कर रहा है और कभी जो ऐसी है आतंकवादी के नेता लोग हैं, एक तरह से भूमिगत नेता लोग कहिए या इनडायरेक्ट नेता कहिए, उससे सरकार बातचीत करने लगती है, कभी उनको जेल में। तो यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राष्ट्रधर्म में। आज हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा टारगेट किलिंग करने से दहशत मच गई है, लोग वहां पर पलायन कर रहे हैं और आतंकवादियों ने इस महीने अब तक 11 लोगों को अपना निशाना बनाया है। इसी पर आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रमोद कुमार सहगल जी, डिफेंस एक्सपर्ट और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सर्वेश्वर पाठक जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, पीके सहगल जी और सर्वेश्वर पाठक जी, और आप दोनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं पीके सहगल जी, ये जो अभी देखा जा रहा है 90 के दशक में इसी तरीके का दौर देखा गया, हालांकि वो बड़े परिप्रेक्ष्य में था। उस वक्त एक तरीके से पलायन इसी तरीके से शुरू हुआ था। अभी मैं तस्वीरें देख रहा था वहां पर और जो पलायन कर रहे हैं उनके बयान सुन पा रहा था। सर वो बोल रहे हैं उनको तो इतना भी भरोसा छूट गया कि ये लोग सुरक्षा दे सकते हैं। वो कह रहे हैं उनसे मांग पूछी गई, हमारा रिपोर्टर पूछ रहा है कि आपकी मांग क्या है, तो वो कह रहे हैं हमको गाड़ी उपलब्ध करा दीजिए। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति एक बार फिर से वहां पर बनने लगी है। पीके सहगल जी, देखो ये बिल्कुल साफ तौर पे क्लियर है कि ये पथरे पर हो रहा है और पाकिस्तान की बड़ी कोशिश है कि वहाँ माइनॉरिटीज के अंदर फियर साइकोसिस पैदा किया जाए ताकि बिल्कुल 1990 का जो सिनेरियो था वो दोबारा कायम किया जाए। पाकिस्तान काफी चिंतित था कि वैली के अंदर माहौल जो है बहुत सुधर गया है, वहाँ विकास हो रहा है, वहाँ लोग शांतिपूर्वक रह रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की सक्सेस के बाद पाकिस्तान का रवैया बदली हुआ है। उसको साफ तौर पर नजर आता है कि तालिबान की मदद से, हकानी नेटवर्क की मदद से वो कश्मीर में शांति को भंग कर सकता है और बिल्कुल उसी माफी का फियर साइकोसिस ला सकता है जैसे कि 1990 में आया था। हमको बड़े पैमाने पर
इसको चेकमेट करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को बदली करना है। हमारी जो पहले स्ट्रेटजी थी जो जिसमें हमने सेना को कम्प्लीटली फ्री हैंड दिया हुआ था और हमने कहा था जीरो टॉलरेंस माहौल को निगाह में रखते हुए उस स्ट्रेटजी को भी बदली करना है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी परमानेंट हर माहौल के लिए नहीं लागू होती, क्योंकि ये सारा कुछ पाकिस्तान के इशारे पे हो रहा है। उनको पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिटरली पनिश करना है। एंड वी गॉट टू मेक श्योर की द कॉस्ट दैट ही हैज टू बेयर इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू 15 टाइम्स मोर देन द कॉस्ट दैट वी आर पेइंग। अनलेस एंड अंटिल वी डू दैट पाकिस्तान जो है पास नहीं आएगा। दूसरा, जो लोग इनको पैसा दे रहे हैं गलत कार्रवाई करने के लिए, जो उनको पिस्टल देते हैं, तो उनको भी पकड़ना है और विद इन 48 to 72 hours कोशिश होनी चाहिए कि विद इन 48 to 72 hours उनको पकड़ा जाए। और तीसरा जो है, जो वास्तव में उनके बिहाव पर या उनके भेस पर आक्रमण करते हैं, टेरर अटैक करते हैं, लोगों को किल करते हैं, उनको भी 48 to 72 hours में खत्म कर देना चाहिए। अगर जब तक हम ये नहीं करते पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। वर्रा साहब ने और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो नॉन कश्मीरीज हैं उनको CAPF फोर्सेस के साथ में उनको स्थापित कर दिया जाएगा, दैट इज फाइन। लेकिन उसके बावजूद भी उनका हौसला नहीं बढ़ेगा जब तक हम पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करते। और अभी समय आ गया कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अगर ये कड़ी कार्रवाई नहीं करते तो यकीनन पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, क्योंकि हम केवल रिएक्ट कर रहे हैं। इनिशिएटिव पाकिस्तान के हाथ में है, और अगर वो बैंड बजा रहे हैं और हम नाच रहे हैं तो नुकसान हमेशा हमारा होगा। हमको भी ऑफेंसिव डिफेंस अडॉप्ट करना है, हमको ऑफेंसिव में जाना है, हमको उसके तमाम जो लॉन्च पैड्स हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, सारे पैरामीटर्स अवेलेबल है, हमारे पास वेयर विद ऑल है, मीन्स है, डिसाइसिव सरकार है और फौज में हिम्मत है, सक्षम है उसको बर्बाद करने के लिए। पाकिस्तान और सबसे बड़ा इस समय फायदा है कि पूरी दुनिया जो है हमारे साथ है। वो पूरी दुनिया इसको कंडेम कर रही है, जिस तरह की किलिंग हो रही है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं और जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्वाइट है, जिससे पाकिस्तान को हौसला मिलता है। हमें यकीन करना है कि उसका हौसला को कम्प्लीटली खत्म किया जाए। एंड वी हैव द कैपेबिलिटी, वी हैव द विल पावर, वी हैव द डिसाइसिवनेस। तब क्या करना है, कैसे करना है, ये तो अजीत डबल इन पार्टी डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं ये आपको पक्का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि द डे दैट डिसीजन इज टेकन, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जो है और जो इंडियन नेवी है, जिसको भी टास्क दिया जाता है, वो हर प्रकार से सक्षम है आपके देश की एकता को, देश की अखंडता को कायम रखने के लिए और वैली के अंदर शांति को बहाल करने के लिए। ओके सर, ठीक है। सर्वेश्वर पाठक जी, आखिरकार अब और इसी बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट ललन सिंह भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है ललन सिंह जी आपका भी। और अब मैं आपके पास आता हूं सर्वेश्वर पाठक जी, सरकार की मौजूदा जो रणनीति है वो फिलहाल के लिए फ्लॉप ही दिखाई पड़ रही है, और तमाम पूरा जो भी, चाहे वो आज डिफेंस एक्सपर्ट से बात कर लें, वो भी यही कह रहे हैं कि इनिशिएटिव आज पाकिस्तान ले रहा है, हम तो सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, पाठक जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? तो तकनीकी खामी के चलते उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वो हम आवाज दुरुस्त करवाते हैं, उसके बाद वापस लौटेंगे। पीके सेगल साहब, ये जो बात कही जा रही है कि गृह मंत्रालय की स्पेशल टीम अब वहां पर जाएगी और कुछ और अपनी योजनाएं बनाएगी, इसके बाद कुछ हो सकता है हालात बेहतर हों, लेकिन अभी क्या आपको लगता है, अभी ये कैप्सूल और ये पिल्स देने का मामला है या फिर सर्जरी की जरूरत है? आपकी जो दिल्ली से सेंट्रल टीम जा रही है या स्टेट से कोई भी टीम जाती है, वो जितनी भी हम कार्रवाई करेंगे, जैसे कि मैंने कहा है, वो रिएक्टिव है। इनिशिएटिव पाकिस्तान के हाथ में, हमने उस इनिशिएटिव को अपने आप खींचना है। आप लड़ाई तभी जीतते हो, इनिशिएटिव आपके हाथ में हो, ना कि दुश्मन के हाथ में, क्योंकि आप केवल और केवल रिएक्ट कर रहे हो और पाकिस्तान ये लैंग्वेज नहीं समझता, इसलिए बड़ा लाजमी है कि उसको वही लैंग्वेज में एक बात की जाए जिस लैंग्वेज को साफ तौर पर समझेगा। पूरी के बाद में जो हुआ उस लैंग्वेज को समझा, पुलवामा के बाद जो हमने किया वो लैंग्वेज को समझा, और आपने देखा कि काफी हद तक उसके दहशतगर्दी खत्म हो गई। अगर आप देखो पिछले 2 सालों में दहशतगर्दी कम हो चुकी थी, पत्थरबाजी खत्म हो चुकी थी, पेट्रोल बम गिरने खत्म हो गए थे, ग्रेनेड अटैक खत्म हो गए थे, स्कूलों को बैंक को लूटना या जलाना खत्म हो चुका था। आज फिर से ये तमाम चीजें शुरू हो गई हैं, इसलिए जो स्ट्रैटेजी हमारी पहले थी वो स्ट्रैटेजी आज के लिए काम नहीं करेगी। हमको बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। इनफैक्ट वो स्ट्रैटेजी क्या है वो
उसको इनंशिएट नहीं किया जा सकता ऑन द टीवी बिकॉज वी विल गिविंग दैट आवर ऑप्शंस टू पाकिस्तान, इसलिए उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन बड़े पैमाने पर हमारे पास स्ट्रेटेजी है और उसको लागू करने की आवश्यकता है बिकॉज प्योरली डिफेंसिव मेजर जो है उससे लोगों का हौसला नहीं बढ़ेगा, आपका जो विकास में दखल अंदाजी होगी वो नहीं रुके और प्लान जो है वो जारी रहेगा। ये प्लान वगैरह तभी रुकेगा जब आप पाकिस्तान को पनिश करोगे और पाकिस्तान की तरफ से हरकतें कम होंगी। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक से जानेंगे कि सरकार की अब इस मुद्दे पर क्या रणनीति होनी चाहिए। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका राजधर्म में। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग से दहशत मच गई है और देश के अन्य राज्यों से रह रहे लोग वहां पर पलायन करने लगे हैं। आतंकवादियों ने इस महीने 11 लोगों को निशाना बनाया है। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास तीन मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पी के सहगल जी, राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी और ललन सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट लगातार जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आता हूं अब सर्वेश्वर पाठक जी, सरकार की जो रणनीति है अब काम नहीं कर रही है, फिर से वही 1990 के दौर वाली यादें फिर से ताजा हो रही हैं। अब ऐसे समय में सरकार को कुछ अपनी रणनीति अपग्रेड करनी पड़ेगी। तमाम जो क्षेत्र हैं वहां से यही पुकार आ रही है, आप क्या समझते हैं? देखिए पवन जी, सबसे बड़ी बात है कि हमें मीडिया से लेके हर मतलब पहलू के लोगों को सबसे पहले वहां के लोगों में ये विश्वास जताना होगा कि सरकार और जो सेना है वो पूरी तरीके से मौजूद है और उनके साथ खड़ी है, और ये जो आतंकवादी हैं जो इनके मंसूबे को बिल्कुल हम ध्वस्त कर देंगे आने वाले समय में। थोड़ी सी वो समय लगेगा लेकिन इनके जो मंसूबे हैं इनको हम आगे नहीं आने देंगे। तो सरकार को अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ी बहुत बदलाव लानी होगी और जो भी प्रवासी कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ समन्वय बना के उनमें यह विश्वास जगाना पड़ेगा कि सरकार और सेना और भारतवर्ष का हर एक नागरिक उनके साथ खड़ा है। वो पैनिक में ना आए। आपकी ऑडियो में कुछ तकनीकी खामी आ रही है, उसको दुरुस्त करवाते हैं फिर आपके पास वापस लौटते हैं। पीके सहगल साहब, आज एक सत्यपाल मलिक का बयान भी सामने आया है, उन्होंने कहा है कि मेरे कार्यकाल में 100 किलोमीटर भी अंदर नहीं आ पाते थे आतंकवादी, श्रीनगर की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? देखो उनके कार्यक्रम में ये हो सकता है लेकिन आज का माहौल बड़ा डिफरेंट है। तालिबान के सक्सेस के बाद में जैसे कि मैंने कहा है पाकिस्तान का हौसला बुलंद हो चुका है, उसके एलईटी का हौसला बुलंद हो चुका है, हिजबुल मुजाहिदीन का बुलंद हो चुका है। तो सारे के सारे आतंकवादियों को नए प्रकार के वेपन मिल रहे हैं जो पाकिस्तान में थे उनको मिले थे और उनको बहुत बड़ी सहायता भी मिल रही है पाकिस्तान से, आईएसआई से और हकानी नेटवर्क से, और कुछ हद तक हो सकता है कि अलकायदा और आईएसआई से भी इनको सहायता मिले। और केवल दुनिया में एक ही देश जो इन तमाम हरकतों के साथ डील कर सकता है और सक्सेस हासिल कर सकता है। इसलिए बहुत ही लाजमी है कि हम इनिशिएटिव को खींचे। पाकिस्तान के पास वो इनिशिएटिव जब तक रहेगा हमको नुकसान होगा, हमारे लोग जो है उनका हौसला कमजोर होगा, हमारे लोग पलायन होंगे, हमारे यहाँ जो शांति है विफल हो जाएगी। इसलिए बहुत ही लाजमी है कि तुरंत हम पाकिस्तान से इनिशिएटिव खींचे और जल्द से जल्द कुछ ऐसी कार्रवाई करें जिसका मैं जिक्र नहीं करूंगा टीवी पर जैसे करने का है, जिससे इंटायर थिंग रिवर्स हो जाए और हमारे फेवर में हो। आज हम खुशकिस्मत हैं कि प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में ये सिद्ध कर दिया कि जो टेररिज्म का गढ़ है वो पाकिस्तान है और जहां भी टेररिज्म हो रहा है इंटरनेशनल एनीवेयर वो पाकिस्तान है। सो सहानुभूति हमारे साथ है, साथ ही साथ अगर हम कोई बड़ा एक्शन करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ तो हिंदुस्तान को किसी प्रकार की कोई कंडेमनेशन नहीं होगी, इनफैक्ट हमको शाबाश मिलेगी कि हम आतंकवाद के खिलाफ उस माफी की कार्रवाई कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है। और क्योंकि आपकी सेना में शक्ति है, क्षमता है, काबिलियत है और पॉलिटिकली सरकार मजबूत है, अगर सरकार कुछ इनिशिएटिव नहीं लेती और पाकिस्तान को क्या नहीं देती डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली और मिलिटरीली तो सरकार की छवि जो है कमजोर हो जाएगी। मोदी सरकार की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे, सेना की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। कश्मीर का आवाम जो है वो
हिंदुस्तान के साथ है, पाकिस्तान को लगता है बार बार कि कश्मीर का अवाम उसके फेवर में खड़ा हो जाएगा। 48 में, 65 में, 71 में, 99 में, हर समय उसको लगा कि कश्मीरी अवाम उसके साथ लड़ा होगा। हर बारी पूरी तरह पास हुआ, क्योंकि कश्मीरी अवाम उतना ही पेट्रियोटिक है जितना आप और मैं है। लेकिन उसको भी डर लग रहा है सर, उसके डर को खत्म करने के लिए हमने पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर पॉलिश करना है, एटलीस्ट 10 times मोर देन व्हाट इट इज पर। ठीक है सर, वापस लौटते हैं आपके पास। ललन सिंह जी, ये जो बताया जा रहा है, एक तो सत्यपाल मलिक का बयान, इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? दूसरी तरफ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, उसने जिम्मेदारी भी इस बात की ले ली है और उसने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से हिंदुत्ववादी लोग मुस्लिमों को लिंच करते हैं उसी का बदला है ये, उनका प्रवक्ता साफ साफ बैठ के कह रहा है। ललन सिंह जी, एक टुकड़ी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जैसा सागर साहब ने बताया है, लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो और विश्वास हमारे साथ हो, क्योंकि विश्वास अगर टूट जाए तो वो समझिए कि बहुत बड़ा नुकसान रहता है। धन और ज्ञान दोनों आ जाते हैं लेकिन विश्वास नहीं देना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, भारत के ऊपर एलओसी और बांग्लादेश के साथ हमारे जो अंब्रेला है उसके ऊपर अब कबाब नहीं होने देना। अभी एक आत्मक कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। मैं बोलना चाहता हूँ कि फैस का इस चीज को मान ले कि टारगेट चली का अपने आप बंद हो जाएगा। अगर एक देश की एक भूमिका हमारी फौज है, मैं उस लड़की में रहते चाहे बहुत पूर्ण हो जहाँ पे इनके सभी सेंटर है उससे एक एक कम समय के अनुसार कर दी जाए। और आज इस शुरू से मैं ये बताना चाहता हूँ कि टारगेट की कुछ ये कुछ दिनों का ही आपको रोकना पड़ रहा है, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है, बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राजधर्म में। आज हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग से दहशत बढ़ गई है और वहां पर अन्य राज्यों में के जो लोग रह रहे हैं वो पलायन कर रहे हैं। आतंकवादियों ने इस महीने 11 लोगों को निशाना बनाया है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास तीन मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रमोद कुमार सहगल जी, दूसरे डिफेंस एक्सपर्ट ललन सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, राजनीतिक दलों से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा दिया है और उन्होंने कहा है कि इनको 1 करोड़ रुपए के साथ साथ इनके परिजनों को सरकारी नौकरी भी दी जाए। देखिए, ये जो लालू के मतलब बेटे हैं उनका कोई राजनीतिक मतलब वो ना एक्सपीरियंस है और ना ही उनका कुछ भविष्य है, क्योंकि आदमी अगर कुछ थोड़ा पढ़ा लिखा होता है तो वो राजनीति में अच्छे समय तक चलता। अगर ये किलिंग हो रही है, ये टारगेट किलिंग किया जा रहा है, भय बनाया जा रहा है वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है और जो पलायन करके लोग आ रहे हैं, उनमें बस एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने जितने भी वो पैसे 2 लाख दिए हैं यार, वो बहुत कम है, तो उनमें और कुछ सुधार करना होगा नीतीश कुमार जी। लेकिन इस विषय को लेके ये मीडिया में आना, बयान देना, आप सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के तो रखो, वो बिहार के नागरिक हैं तो बिहार के लिए आप भी कहते हो कि विकास के लिए हम काम, बिहार के विकास के लिए काम करेंगे, और सरकार को हर मुद्दे के घेरने अच्छा नहीं होता है। आप
अभी सरकार के साथ बैठ के तो बातें करो। आप नीतीश कुमार जी इनसे जाके पर्सनल मिलिए, उन्हें ज्ञापन दीजिए कि ये जो 2 लाख रुपया का आपने अनाउंसमेंट किया ये तो बहुत ही कम है, आप इनसे विचार विमर्श कीजिए, या तो इस मुआवजे की रकम को बढ़ाइए या फिर अगर जरूरत है अगर वो योग्य है तभी सरकारी नौकरी कर पाएगा ना, अगर वो अयोग्य है तो कैसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, जरा मुझे ये बात बताइए। वो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो वेंडर थे, वो कोई गोलगप्पे बेचने वाला था तो कोई लेबर का काम कर रहा था, अगर वो अयोग्य है तो उसको सरकारी नौकरी कैसे मिल जाएगी। लेकिन आपके वहाँ के कई भी तारकिशोर प्रसाद वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच बंद हो जाए, मतलब हमारे साथ जो अभी बताए 24 घंटे में 3 घटनाएं आतंकवादी घटनाएं और मैच बंद कर रहे हैं, ये कौन सी कार्रवाई हुई सर्वेश्वर पाठक जी? ये रणनीतिक इच्छा शक्ति है हमारी देश की राजनीति की? देखिए हमारी गवर्नमेंट है, हम सभी ने देखा है कि पाकिस्तान को मुंह तो जवाब दिया गया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊंट उनके मुंह पे जीरा, तो वो बहुत कम था, उसको उसी तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक की अभी और भी आवश्यकता है, 1-2 सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, आप भी कह रहे हैं। लेकिन पीके सहगल साहब, सर्जिकल स्ट्राइक और इन सब की जब जरूरत बता रहे हैं सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, और तमाम लग भी रहा है कि कोई अब कड़ी दबा देनी पड़ेगी उनको, किस चीज का इंतजार किया जा रहा है पीके सहगल साहब? क्या 24 घंटे में 3 आतंकी घटनाएं ये नाकाफी है? सहगल साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपके बीच में ऑडियो चला गया था, दोबारा सहगल साहब मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर 3 आतंकी घटनाएं हुई हैं, हमारे देश की जो उच्च राजनेता हैं जो बैठे हैं जिनके हाथ में देश की बागडोर है, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये सरकार डिसाइसिव है, इस बार सरकार स्ट्रॉन्ग है, कुछ ना कुछ प्लान बना रहे होंगे, लेकिन हमको कार्रवाई करनी है बड़े सोच समझ के, बड़े संयम के साथ में, और किस प्रकार से टाइमिंग एंड वॉट एग्जैक्टली इज डन इज बी थॉट थ्रू वेरी केयरफुली, क्योंकि इस समय दुश्मन जो है पाकिस्तान जो है हर प्रकार से तैयार होगा टू काउंटर वॉट एवर वी गोइंग टू डू, हमने उसको सरप्राइज हासिल करना है। आपका बालाकोट स्ट्राइक सक्सेसफुल हुई क्योंकि स्ट्राइक सरप्राइज हमारे इसमें था, उरी का उस समय उसको किसी हालत में एक्सेप्ट वो समझ भी नहीं सकता था कि हिंदुस्तान इस माफी की कार्रवाई कर सकता है, सरप्राइज बहुत बड़ा हमारे फेवर में था, इस समय वो हर प्रकार से तैयार है, उसको मालूम है कि हिंदुस्तान कुछ ना कुछ करेगा, हमने क्या करना है, क्या हम वायुसेना को इस्तेमाल करेंगे, क्या हम फौज को इस्तेमाल करेंगे, क्या हम ब्रह्मोस को इस्तेमाल करेंगे, क्या हम हैमर मिसाइल को करेंगे, क्या हम स्काल्प को करेंगे, हमारे पास एक्स कैलिबर एमुनिशन है जो उस एरिया के ऊपर लॉयटर कर सकता है, टारगेट को पहचान के उसको बर्बाद कर सकता है, या आप आतंकवाद के आकार को निकालना है, उनको निकालने के लिए भी हमारे पास सही प्रकार का आज असला और सही प्रकार की मिसाइलें वगैरह हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल डैमेज भी कम हुआ, लेकिन ये बड़े सोच समझ के फैसला लिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े सारे और चीजें भी इन्वॉल्व है, साथ ही साथ आपको LAC का भी ध्यान रखना है कि चाइना और पाकिस्तान का कन्फ्यूजन है कि कुछ ऐसी हरकत ना हो जिसमें चाइना भी साथ में मिल जाए और हमारे लिए नुकसानदेह हो, लेकिन उसके बावजूद मैं यकीन एब्सोल्युटली 100% कन्विंस हूँ कि अगले कुछ दिनों में हिंदुस्तान की तरफ से कुछ बहुत बड़ा एक्शन होगा, और हमारे पास इसमें क्षमता है कि जितने भी लॉन्च पैड्स हैं ऑल दी लॉन्च पैड कैन बी डिस्ट्रॉयड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन वन स्ट्राइक, हम दोबारा उसको मौका नहीं देंगे इस माफी की कार्रवाई करने की बार बार, क्योंकि हम तो पिटते रहे, आपने उरी में उसने 19 जवान मारे उसके बाद में हमने स्ट्राइक किया, पुलवामा में उसने 40 मारे हमने फिर तब स्ट्राइक किया, नाउ देश कहता है कि हम नुकसान नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उसके उसको बर्बाद करो बिफोर ही डज दिस डैमेज टू यू, एज इट इज 9 लोग आपके मारे गए हैं पुंछ में, 9 स्ट्राइक मारे गए हैं और यहाँ पे आपके कितने सिविलियन तकरीबन 9 या 12 सिविलियन मारे गए हैं, ऐसे में बहुत लाजमी है देश इंतजार कर रहा है कि ये जो मजबूत सरकार है, जो डिसाइसिव सरकार है, जो स्ट्रांग सरकार है कुछ स्ट्रांग एक्शन दे, और अगर कुछ स्ट्रांग एक्शन नहीं लेता तो वास्तव में जैसे कि मैंने पहले कहा है द क्रेडिबिलिटी ऑफ दी सरकार में बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका राजधर्म में। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने दहशत फैलाई हुई है और वहां पर देश के अन्य राज्यों में रह रहे लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपका रुख करना चाहूंगा सर्वेश्वर पाठक जी, आज बताया जा रहा है कि सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री वो आज इसराइल में है। इसराइल से सर कुछ सीख लेते, इसराइल की पॉलिसी तो पता है किस तरीके से वो काउंटर अटैक करते हैं। देखिए जो हमारी भारतीय सेना है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो पूरी तरीके से मुस्तैद है वहां पे और वो अंजाम दे रही है, चुन चुन के जो कहते हैं ना, चुन चुन के आतंकवादियों का खात्मा कर रही है। जिन्होंने दीप चांद और सतिंदर कौर जी को मारा, उन्हें ये है कि ये कायर हैं, ये कायराना हरकत करते हैं, आते हैं और मार के छुप जाते हैं, तो उसके बाद उसकी खोज होती है और उसे मारा जा रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि ये जो कायराना हरकत करते हैं और भाग के वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके थ्रू वो भाग जाते हैं। तो इसराइल से हमारी बहुत मदद होती है, हमारे डिफेंस की उसमें डील है, उसके साथ ही साथ उनसे बहुत अच्छी तरीके से हमारा संबंध है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हाँ हम पे जो अटैक हो रहा है, हम अपने अटैक को नाकाम करने के लिए ये जो आतंकवादी लोग कर रहे हैं उसके लिए एक हमारी स्ट्रेटेजी में थोड़ी बदलाव लाना होगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा हम कहें कि हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो नाकाम साबित हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पूरी तरीके से वहां पे नष्ट नाबूद करने के लिए, इन्हें एलिमिनेट करने के लिए, और उसके बाद आप देखिए ना कि जो उसके मददगार हैं, जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, जो स्लीपर सेल हैं, उसको भी खत्म करने के लिए कितने सारे लोगों को डिटेन किया गया है कि जो कि जो सूचना का आदान प्रदान वहां पे ना कर सके और जो आतंकवादियों हैं उनको इनपुट्स ना दे सके। तो हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है अब एक डिफरेंट अप्रोच के साथ वहां पे अपनी कार्रवाई कर रही है और मुझे ऐसा लगता है और हम सभी को ऐसा विश्वास दिलाना चाहिए वहां के जो माइनॉरिटी लोग हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, कि भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां उनकी सुरक्षा के लिए वहां पे पूरी मुस्तैदी से खड़ी है। जो भय का वातावरण बनाया जा रहा है वो ऐसा कुछ नहीं है, आप वहाँ पूरी तरीके से मुस्तैद से रहो और भारत सरकार आपको हर संभव सहायता देगी। ठीक है धन सिंह जी, अब मैं आपके पास आता हूँ। आज बताया जा रहा है कि मालाबार एक्सरसाइज चल रही है, दूसरी तरफ चाइना ने एक सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया जो कि फ्लॉप रहा उनका। क्वाड को लेकर किस तरीके से हमारे जो समीकरण बन रहे हैं, बताया गया था इससे पहले ही हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने और खुफिया एजेंसियों ने बताया था कि जो अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है इसके बाद से कश्मीर में हालात जो है वो बदतर होंगे, और वही अब देखने को मिल रहा है। ललन सिंह जी, वो शायद क्वाड के द्वारा जब हम उनको हिंद प्रशांत महासागर में चीन को दबा रहे और हमारी ज्वाइंट एक्सरसाइज लगातार चल रही है, और इधर आपको पूरी जानकारी तो नहीं लेकिन सटीक जानकारी मिल चुकी, तालिबान के आने के बाद जो भावलपुर का एरिया है वो जिहादियों को अब घाती हमले के लिए तैयार किया जा रहा है, और ये भी कन्फर्म हो चुका था कि इन्होंने 200 आतंकियों को भारत के अंदर घुसपैठ कराकर और वीआईपी और वाइटल पॉइंट्स के ऊपर हमले करने की पूरी उन्होंने टारगेट सीमित कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम ये मान के चले कि कुछ ना कुछ नुकसान हमारे यूनियन का हुआ तो उसकी सुरक्षा की भावना हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और भारत सरकार और राज्य सरकार अपना प्रारंभ कर चुकी है। जहां तक नेताओं की बात है, बिहार के अंदर दो उपचुनाव स्थान और तारापुर भाजपा साहब ने सही कहा, एक जो नेता है वो अनाथ ज्यादा नहीं, लेकिन एक विपक्षी नेता को बातचीत करना चाहिए। अंदाजे 50 लाख दे दो, एक सरकारी नौकरी दे दो, इससे कोई केवल उनके स्वार्थ राजनीति की पूरी होती है। मैं इस बात को मानता हूँ कि बिहार सरकार को अगर ये पता है कि हमारे सबसे ज्यादा मजदूर प्रवासी हिंदुस्तान के हर कोने में रहते हैं, तो इस हालात में अगर जरूरी है तो हमारे आईपीएस अफसर, आईएएस अफसर और आर्मर फोर्सेस की स्थिति उनके सुरक्षा के लिए भेजा जा सकता है, क्योंकि
इंडिया में मुश्किल है। तो ये सभी नेताओं का काम है कि हम भारत सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाएं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति है। अभी आप देखिए वेस्टर्न यूपी, अगर आप देखिए एलओसी, बांग्लादेश, नेपाल, चारों तरफ से हंगामा, प्रदर्शन, रेल रोको, इन सभी हालात के चलते हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, हमारी जो सेंट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो डिप्लॉयमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। उसके बहुत से रीजन खामी लोग हैं और हमारे नेताओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी पूरा देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और हमें जरूरत है एक मत होने का। कश्मीर घाटी के अंदर अभी मैं आपको दावे के साथ पवन पांडे जी बोल सकता हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर हमारी एजेंसियां बहुत सतर्क होकर उन लोगों को चिन्हित कर रही है जो उनके समर्थक हैं। 3 लोगों को पकड़ा गया, उसमें एक महिला थी जिसने बताया है पूछताछ में कि उसके अंदर कितने स्ट्रेंथ था कि उसके हथियारों के साथ थे और हमने यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आएंगे तो पीके सहगल साहब से जानेंगे कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है क्या उसका भी कुछ कनेक्शन हो सकता है। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राजधर्म में। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग से दहशत मची हुई है और आतंकियों ने इस महीने 11 लोगों को निशाना बनाया है। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। पीके सहगल साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अभी जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट है उसने बताया कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो जो हिंदुत्ववादी लोग मुस्लिमों के साथ इंडिया में लिंचिंग कर रहे हैं उसका जवाब है। क्या उसका जवाब ये जो बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ और इस्कॉन के बाद यूनो को भी संपर्क किया गया है, ये भी उसी की एक कैटेगरी है, उसी को आगे बढ़ा के देखा जाए उसी कड़ी में? सहगल साहब देखो, बांग्लादेश और हिंदुस्तान का सिनेरियो बड़ा डिफरेंट है। वहाँ जमायत इस्लामी जो है शुरू से ही दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती है कि वो जो सरकार जो है उसको हटाया जाए ना नहीं जाए। वहाँ पे ISIS ने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको हटाना चाहते हैं और 1972 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वापस लाना चाहते हैं। बड़े पैमाने पर हिंदुओं के ऊपर हमारे टेम्पल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। वहाँ की गवर्नमेंट काफी चिंतित है और आश्वासन दे रही है कि हर रास्ते में जो इस मौसम की कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन डोंट फॉरगेट कि बांग्लादेश के माध्यम से ही बहुत बड़े पैमाने पर जो वेस्ट बंगाल के माध्यम से टेररिस्ट हिंदुस्तान में आते हैं, फेक करेंसी हिंदुस्तान में आती है, ड्रग्स हिंदुस्तान में आती है जो हमारे इकोनॉमी को नुकसान दे होती है। फेक करेंसी बहुत बड़े पैमाने पर आ रही है, ड्रग्स आ रही है और फेक करेंसी और पैसा ही है जिसके माध्यम से मनी दैट मेक्स अ मेयर रन मेयर को, तो पैसा ही चाहिए। पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आता JNK में बहुत बड़े पैमाने पर कंप्लीट जो चीजें बंद हो गई थी, लूट करने, बैंक लूटने और ग्रेनेड फेंकना, क्योंकि पैसा नहीं था और पैसा उनके अभी भी नहीं है। उस पैसे को देने के लिए वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रग्स का ट्रैफिकिंग का इस्तेमाल कर रहा है, नारकोटिक्स का भेजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद उसकी तमाम कोशिश की 1990 का माहौल ला सकेगा तो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो सकता। 1990 और 2021 में जमीन आसमान का फर्क है।
उस समय जो सरकार थी और आज की सरकार है, आज की सरकार बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी डिसाइसिव है। दूसरा, आज इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारा जो सिक्योरिटी ग्रिड है बहुत ही मजबूत है बनसपुर उस समय के। फिर इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड जो है दिल्ली के अंदर बहुत मजबूत है, आपसी तालमेल सिक्योरिटी फोर्सेज में है, अद्भुत है। फिर उस समय इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं थी, कहा जाता था इंफॉर्मेशन इज पावर। जो इंफॉर्मेशन बीएसएफ के पास होती थी वो सीआरपीएफ पर ही पास करते थे, स्टेट के पुलिस पर होती थी आर्मी के पास ही पास करते थे। अभी तो टोटली इंस्टेंटली पास होती है, और उस समय जो आम था, अवाम जो है उनके पक्ष में था। आज अवाम जो है वही हमको एक्शनेबल इंटेलिजेंस देता है। आप जितने भी मुठभेड़ हो रहे हैं, जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं, पुख्ता एक्शनेबल इंटेलिजेंस अवाम दे रहा है। तो वास्तव में आज बहुत माहौल चेंज हो चुका है पंजाब में। मैं 8 साल था आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद को जीत हुई जब वहाँ के लोग पुख्ता तौर पर हमको इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस देते थे, तहत हम कार्रवाई करते थे। आज वही स्थिति कश्मीर में भी है, वहाँ का अवाम जो है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है जो स्टेटमेंट दिए हैं महबूबा मुफ्ती ने, उसने कहा सिविलियन की डेथ तो आर्मी की फायरिंग में भी हुई, उनको कंडेम नहीं किया। और जो फारूक अब्दुल्ला है उन्होंने कहा कि साफ तौर पर ये जो किलिंग हो रही है कश्मीर कर रहे, लेकिन पाकिस्तान के साथ बात करो, साफ तौर पर जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत सरकार नहीं करेगी जब तक पाकिस्तान ये चीजें बंद नहीं करेगी। साफ तौर पर कहे हम पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं, बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत का माहौल बनाना है पाकिस्तान को। और माहौल क्या है, उसको आतंकवाद बंद करना पड़ेगा, अपनी सरजमीन से हिंदुस्तान के खिलाफ इस वक्त की कार्रवाई बंद करेगा। जब तक वो नहीं करता बातचीत नहीं करेंगे। दूसरे लफ्जों में ये जो लीडर्स है दे वांटिंग इंडिया टू प्ले पाकिस्तानी हैंड, और जहां डोमेस्टिक ऑपोजिशन पार्टीज है वो बड़े पैमाने पर चुप है, या जो उन्होंने कंडेमनेशन है लूक वॉर्म। अगर आप देखो कांग्रेस पार्टी की एब्सोल्यूट लूक वॉर्म कंडेमनेशन है, ममता बनर्जी की पार्टी की लूक वॉर्म कंडेमनेशन है, आपकी लेफ्ट फ्रंट की कंडेमनेशन बिल्कुल लूक वॉर्म है या नाटे बराबर है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन विद इन इंडिया क्वाइट है, बहुत ही लाजमी है कि इन सबको एनर्जाइज किया जाए। और वो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, होम मिनिस्ट्री के लिए बड़ी चुनौती है, और सबकी एंटायर नेशन टुगेदर। जैसे कि पाटन जी बोल रहे थे कि बस अभी समय आ गया कि पूरे देश को एकजुट करो, या ललन सिंह बोल रहे थे पूरे देश को एकजुट करो, बड़ा लाजमी है कि कश्मीरी के अवाम को एकजुट करो। कश्मीरी अवाम जो है बड़े पैमाने पर कंडेमनेशन करे, वही हमसे हमारा सबसे बड़ा मित्र है, वही हमको तमाम इन्फॉर्मेशन दे सकता है उन लोगों के बारे में जिनके माध्यम से पाकिस्तान ये क्लीन करा रहा है। क्योंकि वो जानते हैं वो क्लीन के बाद में लोकल पॉपुलेशन के बीच में मिल जाते हैं, और जिस दिन वो लोकल पॉपुलेशन हमारे साथ हर प्रकार से इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देगी, उस दिन पाकिस्तान की लड़ाई खत्म हो गई। ठीक है सर्वेश्वर पाठक जी, हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल वो ये बात भी कहते हैं कि जब जब कहीं बड़े राज्यों में चुनाव आ जाते हैं फिर से यही तरीके का इसी तरीके का माहौल बनने लगता है, इनको क्या कहेंगे? देखिए उनका विधवा विलाप हर समय ये रहता है कि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर वो देश के विकास के लिए काम किए होते जो दूसरी पार्टियां हैं तो वो मुद्दे की बातें करते, सरकार को मुद्दे पे घेरते। उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है जिससे वो सरकार को घेर सके। विपक्ष की जो एक सशक्त भूमिका होती है संविधान में, वो जितने भी विपक्षी पार्टी है, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस, वो भी निभाने पे रही है। वो कांग्रेस आज टीएमसी भूमिका बांग्लादेश में उसके ऊपर वो भी पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, और बिहार में तो आप देख ही रहे हैं। देखिए बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारत सरकार को बांग्लादेश को पूरी तरीके से अपने उसमें लेना पड़ेगा, और उसे कहना पड़ेगा कि अगर ये किलिंग नहीं रुकी, अगर हिंदुओं पे अत्याचार नहीं रुका तो उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने वाला भारत ही है। बांग्लादेश जो पैदा हुआ है वो भारत ने ही किया है। तो मुक्ति वाहिनी उस समय भी शुरू की गई थी, तो उसी मुक्ति वाहिनी को फिर से शुरू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर बांग्लादेश का निर्माण हुआ उस समय क्या समस्या रही क्या नहीं रही, जिससे कि उसे एक अलग देश बना दिया गया और जिस पे भारतवर्ष का कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन वहां की सरकार को भारत सरकार की तरफ से एक सख्त
हिदायत देनी चाहिए कि आप इस जो टारगेट किलिंग हो रही है, हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको आप रोको, नहीं तो इसके आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि वो भारत का ही एक हिस्सा था, अखंड भारत का एक हिस्सा था और हमने उसे पाकिस्तान से काट के अलग किया था। तो भारत सरकार को इस पे अपनी जो करार रुख अपनाना पड़ेगा। वो बुलबुल रवैये से कतई काम नहीं चलेगा कि वहाँ के एम्बेसडर को बुला के हमने कह दिया कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। वहाँ के सीधा प्राइम मिनिस्टर को हॉटलाइन पे लेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और उनको सीधा सख्त हिदायत दें। धन सिंह जी, बांग्लादेश में जो जिस तरीके से चीन का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और चीन का इंटरेस्ट बढ़ने के बाद उनकी जो स्ट्रेटजी या कहें कि जो नज़रिया है भारत की तरफ वो थोड़ा सा गड़बड़ाया है, मानेंगे आप इसको? और इसी के साथ जो चीन का, पाकिस्तान का और तालिबान का ये जो गठजोड़ बन रहा है, जो कई मोर्चों से एक साथ भारत को घेरा जा रहा है, कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं हमारे देश की सुरक्षा बलों के लिए, हमारे देश की खुफिया एजेंसियों के लिए और हमारे देश की सरकार के लिए भी? पवन पांडे जी, ये बहुत बड़ी चुनौती है। एलएसी और एलओसी सशक्त रूप से दिख रहा है, लेकिन बांग्लादेश और खुला हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, ये ऐसा लग रहा था कि ये बहुत हमारे लिए इत्तेफाक इलाका है, लेकिन सच ये आपने देखा दिल्ली में एक अशरफ पकड़ा गया था, वो कहां से आया था? बांग्लादेश के रास्ते और बिहार के किशनगंज में उसने अपनी फर्जी आइडेंटिटी का पासपोर्ट बनवाया था। हमें ये सोचना है कि जो जमात इस्लाम है ऐसे कई आतंकी संगठन तालिबान उनको लगता है कि पूरी दुनिया में तालिबान के जैसे हम अपने आप को मजबूती वजूद कायम कर लेंगे, लेकिन गलत खानी उसको दूर करना बहुत जरूरी है। पादर साहब ने सही कहा, इनके साथ सब और जो पीएफएफ है जिसको 50 किलोमीटर सीमा के दायरे में ताकत दे दिया गया है, जिसके लिए कुछ राजनेताओं ने हस्तक्षेप किया था, लेकिन इसका जो सच है वो बहुत सही है। पादर को घुसपैठ करते हैं, अगर अंदर भी किसी जगह पे हाई डाउन बनाते हैं भारत सरकार की पल है, इसको कहीं से भी निकालने की ताकत रखती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चुनौती बहुत बहुत साजिश वाली है जी। और आईएसआई, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आईएसआई के हेड के ऊपर बाजवा और इमरान खान का बहुत जबरदस्त विरोध एक दूसरे के ऊपर चल रहा है। क्या कारण है? कारण यही है कि पाकिस्तान ठीक है। बहुत शुक्रिया पीके सैगल साहब, सर्वेश्वर पाठक जी और ललन सिंह जी, आप तीनों का एनबी न्यूज पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और इसके ऊपर अब सरकार ने अपनी जो एक पैनी नज़र है वो बनाना शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से स्पेशल लोगों की टीम वहां पर भेजी गई है जो पूरे वहां पर हालातों का जाके निरीक्षण करेगी और उसके बाद एक रिपोर्ट पेश करेगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।